ओके जी, तो इस सेशन के अंदर हम मालूम करने जा रहे हैं इवन एंड ऑड नंबर्स इन एक्सेल। तो सबसे पहले हमारे पास एक गिवन नंबर है, इसको हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके सूरत में हमें ये मालूम करेंगे कि हमारे पास ये वाला नंबर, अभी तो हमें पता है कि 12 जो है वो इवन है ना, लेकिन हम चाहते हैं हमारा कोई फॉर्मूला हो जो चेक करे, क्योंकि अभी सेल के अंदर 12 वैल्यू है, कल को 11 भी तो आ सकती है ना। तो अगर जो भी वैल्यू यहां आती है उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखेंगे जिसकी सूरत में हमें ये मालूम करना है कि ये वाला नंबर जो गिवन है ये आपका इवन है या ऑड। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इफ, इफ फंक्शन देने के बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर एक फॉर्मूला होता है एमओडी के नाम से, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, यानी आप इसको पहले तो वो वैल्यू बताएंगे जिसका रिमाइंडर लेना है और उसके बाद फिर आप क्या बताएंगे, जिसके साथ रिमाइंडर लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी आप अगर देखें इस फॉर्मूले की ब्रैकेट ओपन करता हूं मैं, इसको बता रहा हूं कि ये वैल्यू है यानी 12, लेकिन इसको किसके साथ डिवाइड करना है, इसको डिवाइजर देना है। नीचे शोर है, एक तो नंबर दो, दूसरी वैल्यू क्या देनी है, डिवाइजर, कि 12 को किसके साथ डिवाइड करना चाहते हो। मैं चाहता हूं 2 के साथ। कौन सा क्लियर हो गया, के 12 को 2 के साथ डिवाइड करो और अगर वो वैल्यू सही है, अगर वो वैल्यू, सपोज मैं इसको मोड को कवर कर देता हूं और कहता हूं अगर वो वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो वो क्या होगा, वो हमारा इवन नंबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 0 ही बचेगा, सही है। और उसके बाद अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, इसका मकसद वो हमारा नंबर इवन नहीं, वो नंबर हमारा ऑड है। इतना सा काम था, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये मोड वाला फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ हमें इस नंबर, ये जो आपने यहां दिया है 12, इसको इसका रिमाइंडर ले लेगा 2 से, सही है। फिर अगर वो रिमाइंडर 0 आया तो वो हमारा क्या होगा, इवन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, वरना वो हमारा क्या होगा, ऑड होगा। इतना सा काम, इंटर करते हैं। तो अब ये नंबर इवन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि 12 का रिमाइंडर हमारा 0 ही बचेगा। 2 की टेबल इस पे 6 टाइम लगेगी और रिमाइंडर, यानी आपको रिमाइंडर 0 ही रिटर्न होगा या 0 ही बचेगा। अगर मैं यहां पे वैल्यू देता हूं 11, तो आपको ये बताएगा कि ऑड नंबर है, क्योंकि अगर 11 पे 2 की टेबल लगाई जाए तो 5 टाइम आपकी टेबल लगेगी और 1 रिमाइंडर आपका बचेगा, सही है। तो जिस डिजिट का रिमाइंडर 2 से लिया जाए और रिमाइंडर 0 ना आए, 0 के अलावा कुछ आए, तो वो सारे नंबर ऑड है, और जिनका रिमाइंडर 0 आए वो सारे नंबर हमारे इवन है। कौन सा क्लियर हुआ, तो इस तरह से एमएस एक्सेल के अंदर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा नंबर या तो इवन है या तो ऑड है। तो ये दो फॉर्मूलाज के मिक्स करके हमने ये बनाई है लॉजिक कि हम इफ फंक्शन और मॉड फंक्शन को यूज करके ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा नंबर कौन सा इवन है और कौन सा ऑड। चलें जी, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।